मेरे साथ हैं राई के विधायक मोहनलाल बडोली और उनके पास जिला अध्यक्ष सोनीपत का भी पदभार है और इस समय नगर निगम के चुनाव पूरे जोरों पर है। इसको लेकर के क्या रणनीति अपनाई गई है नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसको लेकर बात करेंगे विधायक जी से। बताओ सर, इस तरह से आज ये 2020 में नगर निगम सोनीपत का 20 वार्डों का और एक मेयर का 21 लोगों का चुनाव है। इसमें 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, 5 जेजेपी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और मेयर पद का उम्मीदवार हमारे ललित बत्रा जी, जिन्होंने लोकतंत्र को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने 1975 में इस देश में एमरजेंसी को लगाया, लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने बहुत ही छोटी आयु में 14 वर्ष की आयु में सत्याग्रह आंदोलन करके सबसे कम उम्र के जेल में जाने वाले ललित बत्रा जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। और ललित बत्रा जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के मधुरभाषी, सबसे व्यवहार रखने वाले और बहुत ही अच्छे समाज में एक अच्छा स्थान रखने वाले, सबसे मिलनसार, सबके दुख सुख में भागीदार रहने वाले अच्छे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का प्रत्याशी दिया है। और इन प्रत्याशी की अच्छी छवि के कारण आज यहाँ से गठबंधन का मेयर पद का उम्मीदवार अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम विकास का किया है उसके अलावा और बहुत सारे विकास के काम सोनीपत में हो, मेयर की जो वार्डों का चुनाव होकर जब सरकार या नगर निगम की बनेगी वो अच्छे विकास के काम करे, सोनीपत विकास की ऊंचाइयों को छुए। ये सोनीपत जिला महाभारत काल से ही प्राचीन जिला है, एक ऐतिहासिक स्थल सोनीपत है। इसकी पहचान एक अच्छे और आधुनिक नगर निगम जिस प्रकार का मोदी जी का सपना है, मोदी जी का सपना साकार हो, ललित बत्रा जी उस सभी बातों पर खरे उतरते हैं। इसलिए सोनीपत के इस चुनाव में सभी वोटरों ने मन बनाया है कि यहाँ से ललित बत्रा जी को जिताकर भेजेंगे। और मोहनलाल जी, जैसे आप सोनीपत की एक पहचान बता रहे हैं लेकिन सोनीपत की एक पहचान और भी है, विधानसभा चुनाव में विपक्ष के पास कांग्रेस के पास ये सीट गई थी, शहरी मतदाता उनके एक तरफ गया था, लेकिन अब सरकार की गठबंधन सरकार की साख सामने है क्योंकि नगर निगम का मेयर का जो चुनाव है किस तरह से जीत कर ऊपरचम लहराएंगे या आपकी पार्टी का बहुमत आएगा, गठबंधन का बहुमत आएगा, इसको लेकर क्या जो सरकार ने रणनीति बनाई है क्योंकि पार्टी और सरकार दोनों की साथ दांव पे है। पार्टी ने और सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शीर्ष नेतृत्व में इन सब चीजों का आकलन करके अच्छा उम्मीदवार दिया है। और चुनाव के अंदर जिस प्रकार का आज वातावरण बना है, 2019 का एक वर्ष पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसी सोनीपत से हम 42,000 वोटों से जीत कर आए थे और उसी प्रकार का वातावरण फिर इस मेयर के चुनाव में बना है और सभी वार्डों में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल और जेजेपी का गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। देखिए, किसान आंदोलन चरम पर है और राई से आप विधायक हैं, राई का बॉर्डर और दिल्ली का बॉर्डर आपस में मिलते हैं और वहीं पर किसान आंदोलन बड़ी मात्रा में वहां पर किसान जमा है, 21वां दिन है, इसको लेकर नगर निगम चुनाव में कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर सरकार और गठबंधन किस तरह से क्या रणनीति बनाई गई है? आज से 20 दिन पहले से जो आंदोलन किसान तीन कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय को डबल करने के लिए
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट आह्वान है कि 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आमदनी को डबल करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, 50% लागत मूल्य से बढ़ाकर MSP तय होती है। लेकिन विपक्ष के बहुत सारे संगठनों ने इस बात का भ्रम फैला के कि MSP बंद हो जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी, इस बात को लेकर यह आंदोलन खड़ा किया था। और सरकार ने बातचीत करके, किसान संगठनों से बात करके उसका समाधान निकाला है। उसमें जो संशोधन करने की बात थी वो मान ली गई है। जो संशोधन करने की बात है भारत सरकार ने मानी है, मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ। और जो लिखित आश्वासन भारत सरकार ने दिया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि MSP इसी प्रकार से जारी रहेगी, मंडियाँ इसी प्रकार से चलती रहेगी और किसान को कोई परेशानी ना हो, किसान की गरीबी दूर हो, इसी बात को लेकर ये सारे कानून बनाए गए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और किसान संगठन जो इसको आंदोलन को लेकर चले थे, उनमें कई संगठनों ने इसे सुधार के लिए सरकार का भी धन्यवाद किया है। और मुझे लगता है कि जल्दी जो संगठन और इस आंदोलन में शामिल है उनका भ्रम दूर हो जाएगा और जल्दी ही वो इस बात से सहमत भी हो जाएंगे और किसान का भला भी होगा। देखिए, सोनीपत के भाजपा के जिला अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, जो राई के भी विधायक हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि किसान आंदोलन का गतिरोध टूटेगा और साथ में नगर निगम चुनाव में BJP का और गठबंधन सरकार का परचम लहराएगा। और वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि उनका मेयर का उम्मीदवार इस सोनीपत नगर निगम में बनेगा और एक नया आयाम स्थापित करेगा। आदेश त्यागी के साथ मदन बरेजा, सोनीपत। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।